ठीक है। मैंने कहा एक असि कह सकते हैं कि 12 लाख पहाड़ियां किन्ने का रास्ता दस्या है। बहुत बड़ी बात है। 40 साल लीडर पहाड़ियां आज ही बने ना। हां बहुत चलो जी ये शुरू किया है। ऐसी बहुत कभी एक बड़ा कदम जनाब। क्या बात क्या भाजपा तो क्या अगर आरएसएस हमें देगी ना हम उसको साथ चलेंगे। क्या बातें करते मेरी कौम खत्म हो रही है तो हम उसको जो एसटी स्टेटस देगा हम उसके साथ। रविंद्रनाथ जी क्या कहोगे जिस तरीके से एक बार दोबारा से सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है। देखिए मोहतरम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब जो हैं वो जम्मू कश्मीर की सियासत के जम्मू कश्मीर की राजनीति के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ट हैं और उसके साथ साथ वो पीर मुरीदी के भी एक बड़े जाने माने ख़ानदान से ताल्लुक रखते हैं। हमने बचपन से ही इनको काम करते देखा है। ये हमारे लीडर हैं। मैं बचपन से ही इनके उस एरिया में जब जाता था तो हमारी इनसे फैमिली ताल्लुकात हैं। हमारे फैमिली टर्म्स हैं जनाब मुश्ताक बुखारी साहब से। आज हमारा मन किया कि घर में चाय पीने के लिए तो चाय पीने के लिए आए थे और हालचाल जानने के लिए आए। 2:45 ज्वाइनिंग हो रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। क्या नहीं नहीं आज हम चाय पीने के लिए आए थे वो अलग से एक कार्यक्रम है। बुखारी साहब उस जमाने के अंदर इन्होंने काम किया है और बिलखसूसन रजौरी पुंछ ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर वादी कश्मीर हो जम्मू हो रजौरी पुंछ का बॉर्डर का एरिया हो इन्होंने हमेशा मुल्क की सलामती के लिए अवाम की बेहतरी के लिए और बिलखसूसन जो हमारा पहाड़ी कबीला है उसकी ये जान है और ये हमारी शान है। हमारे लीडर हैं और हम इनसे अक्सर मिलते रहते हैं। आपने देखा होगा इससे पहले आप चाय पीने क्यों नहीं यहाँ पर पहुंचे। बहुत बार आया हूँ मैं बहुत बार आया हूँ। ये मेरा घर है बुखारी साहब का घर मेरा घर है। क्या बात कर रहे हो क्या बात कर रहे हो। मैं जब रजौरी पुंछ में जाता था तो सुरनकोट जनाब मोहतरम के घर में गाड़ी खड़ी करके तो हम चाय क्या पीते खाना खाते हैं। आपकी जानिब से दावत दी गई है। दावत क्या हमारे हमारे लीडर हैं। आप क्या बात कर रहे हो। रविंद्र रैना साहब ऐसा तो नहीं है।